ठीक है जी। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, सभी आरएएस की तैयारी करने वाले भावी आरएएस आरटीएस आरपीएस सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरएएस में ये टॉपिक लगता है तो हम फिर पढ़ लेते हैं, लगता है तो देखते हैं। तो आरएएस में वर्ल्ड हिस्ट्री के 3 या 4 टॉपिक लगते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपके दे रखा है पुनर्जागरण। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपने कहीं अच्छे से पढ़ा होगा और मैं भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इसे रेनेसा इंग्लिश में जब हम इसे बोलेंगे तो रेनासा कह सकते हैं इसे इंग्लिश में। अब पूरी स्पेलिंग लिखनी थोड़ी सी मन में भी दो रही है, RENINAI रेनेसा जो भी है रेनेसा बोलेंगे, रेनेसा। स्पेलिंग को थोड़ा सो दो रो काम बैठा ब्रो, थे भी समझो, RENAISSANC रेनेसा, रेनेसा इस प्रकार। यानी शब्द को देखो, शब्द को देख के आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यानी मैं थोड़ा सा आपको बैक प्लेस में अगर लेके जाऊं, थोड़ा सा पीछे की ओर लेके जाऊं, कि पूरा विश्व का जो इतिहास है, विश्व की हिस्ट्री जो है, विश्व का इतिहास देखो बच्चों, जिस प्रकार हमारे भारतीय इतिहास को कितने भागों में हमने बांट रखा है। तो आप कहोगे सर भारतीय इतिहास को हमने 3 भागों में बांट रखा है, एक सबसे पुराना भारत है, एक बीच का भारत है, एक आधुनिक भारत है। वैसे ही विश्व को भी 3 भागों में बांट रखा है, एक प्राचीन भारत है, सॉरी प्राचीन विश्व है जो 1ली सदी से लेकर 5वीं सदी तक का माना जाता है प्राचीन विश्व है। ठीक है, इसके बाद जो है वो मध्यकालीन विश्व है, मध्यकालीन विश्व है। इसको हम मान लेंगे 5वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक, 5वीं से लेकर 14वीं। और उसके बाद जो है वो अब का विश्व है जो अब तक चल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं आधुनिक विश्व है। यानी पूरे विश्व को हम 3 भागों में डिवाइड कर लिया, 3 भागों में हमने पूरे विश्व को बांट लिया, जो मान लेते हैं 16वीं सदी तक, 16वीं सदी से अब तक। अब देखिए सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण का अर्थ क्या हुआ, फिर से जागना। जैसे मान लो कि आप सुबह सुबह रात को सोए हुए थे, रात को सोने के बाद आप उठे, उठते ही आपके जागरण हुआ, उठ गए आप। उठने के बाद बोले कि भी नहीं, सुबह सुबह की बड़ी समस्या है कि आदमी 5 मिनट सोता है तो 4 घंटे हो जाते हैं तुरंत ही, वही बात है। तो वो बीच का युग आ गया आपके, जब आप वापस सो जाते हो, अंधकार युग। ये अंधकार युद्ध है विश्व का, अंधकार का युग है। और फिर थे पाछा जा गया बोल लहरा बाजो को चिंगो टाइम हो गयो, वही तो पुनर्जागरण है। इसका मतलब दोबारा उठते ही आपके नव युग का आगमन हुआ। पुराना विश्व बहुत अच्छा था, कई सभ्यताओं का विकास हुआ, यूरोप साइड यूनान साइड में कई सभ्यताओं का विकास हुआ, बड़ा विकसित था, लेकिन बीच में लोग सो गए, ये अंधकार युग था जो मध्यकालीन विश्व था, और फिर वापस उठ गई, वही तो पुनर्जागरण है। यानी पुनर्जागरण का अगर हम सही अर्थों में अर्थ देखें तो मनुष्य की सारी शक्तियों का विकास हुआ है इस समय। यानी चिंतन शक्ति का भी विकास हुआ है, बौद्धिक शक्ति का भी विकास हुआ है। अब मैं आपसे एक शब्द पूछूं, एक बात पूछूं कि बताइए सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। तो भाई सबसे अच्छा धर्म है मानवता का धर्म, मानव धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इस युग में, पुनर्जागरण युग में कहीं ना कहीं मानवता का जरूर विकास हुआ होगा, और अगर मानवता का विकास होगा तो फिर पुनर्जागरण तो होगा ही होगा। लोग वापस कुछ ना कुछ सोचन शक्ति, चिंतन शक्ति, बौद्धिक शक्ति, सारी चीजों में परिवर्तन आया है। यानी पुनर्जन्म ही होता है, दोबारा जन्म लेना ही पुनर्जागरण युग है। मध्य युग जो था वो पूर्णतः अंधकार में युग था, अंधकार में युग का एक समाप्त हुआ है, दोबारा एक नए युग की शुरुआत हुई है, उसी को हमने नाम दे दिया पुनर्जागरण। कहां? विश्व के अंदर। इससे पहले हम एक चीज और देखते हैं बच्चों, देखो क्या देखते हैं, कभी आप अगर थोड़ा बहुत भी देखोगे तो ये थोड़ा सा इटली का सा चित्र है, इटली इस प्रकार से तो लंबी सी है, इसके आसपास इटली की राजधानी रोम, तो इसके आसपास के क्षेत्र को हम रोमन साम्राज्य कह सकते हैं, कोई आंट नहीं है रोमन साम्राज्य कहने में। रोमन साम्राज्य 3री शताब्दी में विभाजित हो गया था। रोमन साम्राज्य एक तो बन गया पश्चिमी रोमन जिसकी राजधानी रोम थी, एक बन गया पूर्वी रोमन जिसकी राजधानी थी कुस्तुंतुनिया, कुसेतुनेतुनिया। तो ध्यान रहे ये नाम थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन आप बच्चे नहीं हो, बच्चे के बोलने में बड़ा समस्या आ सकती है इस नाम में, कुस्तुंतुनिया, कुस्तुंतुनिया, क्योंकि ये नाम तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। अगर आप पुनर्जागरण पढ़ रहे हो तो ये नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, याद रह जाएगा क्या? ये मैंने क्या बनाया है? इटली बनाया है।
क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण की जो शुरुआत होगी वो इसी देश से मानी जाएगी, इसी देश से शुरुआत होगी, इटली के अंदर। मानव का केंद्र बिंदु हो जाएगा, मानवता का केंद्र बिंदु हो जाएगा, इतिहास का परिवर्तन बिंदु हो जाएगा। तो वो कौन सा होगा? अब इसमें कौन पुनर्जागरण में रहेगा, कौन इसका उदय, कौन इसका संस्थापक, वो चीज तो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी ना किसी, जैसे हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, तो भाई क्रांति कोई ऐसी थोड़ी हो गई यार, हर चीज का कारण होता है, बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। तुम किसी के थप्पड़ भी मारोगे तो पूछा तो जाएगा ना, क्या मैं मारियो भाई इनके थप्पड़ है, देखो भाई जी वो कर्ण बिना मतलब चलता है, थप्पड़ मारोगा, पागल थोड़ी हो थे। तो वही बात है कि जब पुनर्जागरण 1857 की क्रांति के कारण थे, तो भाई कोई ना कोई कारण तो इस पुनर्जागरण का भी रहा ही होगा। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण के कारण क्या थे। मैन जो है ना, वो हम इस पे फोकस करते हैं एक बार, किसके ऊपर? कुस्तुंतुनिया पर। देखिए किस पे फोकस करना है, अभी आपको इस नाम के ऊपर फोकस करना है, कुस्तुंतुनिया, क्योंकि पुनर्जागरण की कहीं ना कहीं शुरुआत जो सही तरीके से मानी जाएगी वो कुस्तुंतुनिया से ही होगी शुरुआत। देखिए ये एक शासक हुआ था सुल्तान महमूद सेकंड, आपको नहीं याद करना, नाम बता रहा हूं, सुल्तान महमूद सेकंड। कुस्तुंतुनिया यहां आ जाते हैं। देखिए कुस्तुंतुनिया की एक भौगोलिक स्थिति बड़ी अच्छी है, भूमध्य सागर आ जाता है, तुर्की है, तुर्की के ऊपर है, ये यहां बना दिया मैंने, तुर्की है नीचे देश, और तुर्की के ऊपरी साइड में आ जाता है ये कुस्तुंतुनिया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने गलत जगह बना दिया था, विश्व के मैप में आप देखोगे समझ जाओगे। तुर्की को यूरोप का रोगी कहते हैं, जो आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया महाद्वीप में आता है। ऐसा कहा जाता है कि 1500 साल तक ही इस कुस्तुंतुनिया को कोई नहीं जीत पाया था, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई तो आता ही है जीतने वाला। ये बंदा कौन, जिसका मैंने अभी नाम लिया था, सुल्तान महमूद सेकंड, मात्र 21 साल का था। 21 साल की उम्र में ही इस बंदे ने, और ऐसा क्षेत्र जिस पर आज तक कोई अधिकार नहीं कर पाया, 29 मई 1453 को इस बंदे ने कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया। ये तारीख याद रखना, यहीं से एक प्रकार की पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। अब यहाँ 1453 में क्या हो रहा था, यहाँ 1453 में कुंभा के समय चंपानेर की संधियां चल रही थी, 1453 यानी चंपानेर की संधि। अब देखिए रोमन साम्राज्य, देखिए सुनिए दोबारा, वैसे कुस्तुंतुनिया बाइजेंटाइन की राजधानी थी, कुस्तुंतुनिया पे अधिकार हो गया किसका, तुर्कों का, ध्यान रहे कुस्तुंतुनिया पर कब्जा हो गया तुर्कों का, कई सालों बाद किसी क्षेत्र पर कब्जा हुआ है, 1500 साल तक कभी नहीं हुआ, और ये बड़ा ही एक भौगोलिक दृष्टि से बड़ा अच्छा स्थान था, यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहा करते थे, बड़े बड़े मास्टर रहा करते थे, बड़े बड़े विद्वान रहा करते थे, बड़े बड़े साहित्यकार रहा करते थे, बड़े बड़े दार्शनिक रहा करते थे, बड़े बड़े कवि रहा करते थे, क्यों, क्योंकि यूनानी ज्ञान विज्ञान सबका केंद्र हुआ करता था कुस्तुंतुनिया। अब भाई कुस्तुंतुनिया पर कब्जा हो गया तुर्कों का, इतने साल बाद कब्जा हुआ, कब्जा होते ही वही इन लोगों पे हुए अत्याचार, और जब इन लोगों पे अत्याचार होंगे कुस्तुंतुनिया पर, तो भाई अत्याचार से बचने के लिए आदमी कुछ ना कुछ प्रयास तो करेगा, तो प्रयास यही है कि भागो भैया यहां से, और क्या करें। तो ये लोग यहां से भागे, कहां से, कुस्तुंतुनिया से। अब बात वह कि भागे तो भाई किधर भागे, इन कुस्तुंतुनिया का जो संपर्क यूरोप से ज्यादा रहा था, और आदमी का जिधर ज्यादा संपर्क होता है वो इधर ही भागता है, आप भी अगर कभी भागोगे तो वहीं भागोगे जहां कोई आपका जानकार रहता हो। ये लोग इस साइड की ओर भागे, किधर, इधर वाली साइड से, और सबसे ज्यादा जो भाग के आए वो इटली साइड के अंदर आए, फ्लोरेंसा एक शहर है वहां सबसे ज्यादा आए, इसके बीच में सी पड़ता है फ्लोरेंसा। आपको पता है पुनर्जागरण की जो शुरुआत होगी वो इसी शहर से मानी जाएगी। अब भाई बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो कि विद्वान जहां जाएगा, अच्छे लोग जहां जाएंगे वो अच्छाई को ही फैलाएंगे, बुरे लोग अगर कहीं जाएंगे तो बुराई फैलाएंगे, इसीलिए तो कहा गया है कि बुरे लोग कहीं नहीं जाने चाहिए, वो यहीं पड़े रहने चाहिए, अच्छा व्यक्ति कहीं जाएगा तो अच्छा ही फैलाएगा। तो ये लोग जो है, जो कोई साहित्य का जानकार था, कोई विज्ञान का जानकार था, कोई किसी चीज का जानकार था, वो सारे जहां जहां गए वहां वहां कुछ नई शिक्षा दी उन्होंने, नई जानकारियां दी उन्होंने, और वहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी, पुनर्जागरण की शुरुआत। अभी तक
सिर्फ बता रहा हूँ पुनर्जागरण का कारण, जिसमें मेन कारण जो है, मुख्य रीजन अगर हम बात करें तो कुस्तुंतुनिया के ऊपर कब्जा होना एक मुख्य रीजन था कि जहाँ से विद्वान लोग भागे इधर उधर, और मुख्य रूप से वो इटली साइड, यूरोप साइड, इधर वाली साइड भागे, वहाँ जाके उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार किया। कब अधिकार हुआ है कुस्तुंतुनिया पर? 1453। सबसे ज़्यादा ये लोग किधर भागे? इटली साइड में। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग फ्लोरेंसा में आ गए, और कुछ लोग जो ज्ञान विज्ञान मुख्य केंद्र था रोम, जहाँ पर उनका पोप बैठता है, वहाँ भी आ गए। अब हम और कारण देखते हैं, अभी तक तो मैंने एक ही कारण बताए। क्या धार्मिक युद्ध भी कभी कारण हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के पुनर्जागरण। पहला कारण बताया कुस्तुंतुनिया, धार्मिक क्यों है? एक क्षेत्र जो हमेशा ही चर्चा में रहा है, आज भी चर्चा में यही है, यरूशलेम। ये हमेशा ही चर्चा में रहा है, तीन धर्मों का ये केंद्र रहा है यरूशलेम। मैप के अंदर देखना आप, तो यरूशलेम में लड़ाई हुई, दो धर्म के लोग आपस में लड़े, मुस्लिम धर्म के लोग और ईसाई धर्म के लोग। और यूरोप साइड में ईसाई धर्म के मुख्य रूप से ईसाइयों में पोप होता है, यानी धर्मगुरु उनका ईसाइयों का। वो लोग कहा करते थे कि बस हम तो ऊपर वाले के आशीर्वाद वही हैं, हम तो उनके दूत हैं जी। और ईसाइयों ने एक धारणा फैला रखी थी, बोले हम उनके दूत हैं और हम कभी हार भी नहीं सकते। यरूशलेम को लेकर मुस्लिम और ईसाइयों के मध्य युद्ध हुआ। अब वही बात है, कोई ये कह दे मैं तो भगवान का अवतार हूँ भाई, लोग अवतार मानेंगे और उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आप क्या कहो क्या वो अवतार है रहे? तो पुलिस अगर ले गया, वो बचाई कौन पाए अपने? वही बात है। तो लड़ाई के अंदर बच्चों हुआ क्या कि ईसाई और मुसलमानों की लड़ाई है और मुसलमान जीत गई। अंदर ही अंदर बात होने लगी, क्यों? क्योंकि संदेह के घेरे में आ गए जो धर्मगुरु बने हुए थे। वो बोलते थे कहा नहीं भगवान का अवतार था ना, कोई हराई कौन सके, तो हरा क्या दिया है? इस वजह से एक धार्मिक युद्ध, क्योंकि अब धर्म के संबंधित यूरोप, अब धर्म युद्ध हुए तो यूरोप वासियों का संपर्क पूर्वी लोगों से भी बना। और जब ज्यादा आदमी कह रहे मैं घाट घाट को पानी पी रहे, मैं बहुत फिरणू भी अनुभव है, तो ये लोग जब पूर्वी देशों से संपर्क इनका बढ़ा तो इनके ज्ञान में भी वृद्धि हुई, और ज्ञान में अगर वृद्धि होगी तो कुछ ना कुछ तो नया होगा ही। और फिर क्या हुआ? पुनर्जागरण हुआ। चलिए आगे चलते हैं। पुनर्जागरण के मैंने दो कारण बताए, पहला कुस्तुंतुनिया, दूसरा धार्मिक युद्ध, वो भी एक युद्ध ही है कुस्तुंतुनिया, और फिर धार्मिक युद्ध। तीसरा, व्यापार का विकास होने से, कभी भी किसी भी क्षेत्र का अगर व्यापारिक विकास होगा, कैसे सर? जैसे मान लो कि हमारे तारानगर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल जाएं इकोनॉमिक्स रूप से, तो हमारे तारानगर का विकास होगा, क्योंकि व्यापार में गुजरात क्यों एडवांस है सब? क्योंकि गुजरात में व्यापारी ज़्यादा है, देश का विकास जो है व्यापारी लोग ही करते हैं। तो देश जो चल रहा है, वो इकोनॉमी जो चल रही है, वो व्यापारियों के कारण ही तो चल रही है। तो व्यापारिक विकास हुआ, यूरोपवासी नए नए देशों की खोज करने लगे। आपको पता है भारत की खोज 1498, वही तो समय चल रहा है यहाँ 1453-98, और क्या है, नए नए देशों की खोज हो रही है। खोज का रीजन भी आपको पता है, उसके पीछे भी कुस्तुंतुनिया है, क्योंकि यूरोपवासी कुस्तुंतुनिया इधर से होके आते थे भारत के अंदर, पूर्वी के अंदर, और कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया मुसलमान ने। अब यूरोपवासी जाए कहाँ? बेचारा काली मिर्ची है खाना है सर्दियों के अंदर, तो बह के करियो के वही बात है, एक रास्ता बंद हो तो ऊपर वाला कोई दूसरा रास्ता तो खोलता है। उन लोगों ने समुद्री मार्ग को खोजना किया, उसी समय तो अमेरिका की खोज हुई है, और उसी समय उन्हें पता था विश्व गोल है ही, तो उसी समय भारत की खोज हुई है, उसके पीछे भी यही है कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग जो है वो व्यापार के विकास में लगे थे, लेकिन चर्च के जो लोग थे ना वो क्या मानते थे? वो ये मानते कि सूद लेना, सूद क्या होता है? सूद होता है ब्याज, ब्याज का विरोधी थे, जबकि व्यापार करने खातिर ब्याज तो चाहिए ही चाहिए। तो एक तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा हो गई इनके बीच। व्यापारी वर्ग तो चाहता है कि ब्याज वगैरह लेना देना जल्दी काम चले, और इनमें पोप वगैरह विरोध कर रहे हैं, यानी व्यापारी वर्ग के, व्यापारियों के चर्च सिद्धांतों की तार्किक विरोध किया। क्यों? क्योंकि व्यापारी तो विरोध करेंगे। शहरों में वाद विवादों का आपस में आदान प्रदान हो गया, और जब व्यापार का विकास हुआ तो नए नए नगरों का विकास हुआ, शिक्षण संस्थाओं का विकास हुआ, आम लोग जो है वो ये मान लो कि पढ़ लिखने लग गए, पहले कोई पढ़ता नहीं था। जबकि इससे पहले धारणा ये थी कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर में रहेगी? पादरियों के अंडर में रहेगी। जैसे हमारे भी था कि भी शिक्षा जो है वेद पढ़ने का अधिकार वगैरह एक वर्ग को था, उसी हिसाब से उस समय भी पादरी ही शिक्षा ग्रहण। अब लोग पढ़ने लग गए, शिक्षण संस्थाएं खुलने लगी, दिमाग का विकास तो होगा,
बात क्या क्या बताई, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने बताया कुस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार मूल रीजन था पुनर्जागरण का। फिर मैंने आपको बताया धार्मिक युद्धों की वजह से भी हुए। फिर मैंने बताया कि व्यापारिक कारण भी रहे हैं इनके अंदर, क्योंकि व्यापारी लोग जो है वो विकास चाहते हैं, सूद वगैरह लेना, पादरी जो है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। फिर कुस्तुंतुनिया का तुर्कों का अधिकार बताया। अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखो पुनर्जागरण के कारण ही चल रहे हैं। साहित्यिक अभिरुचि, देखो दोस्तों आप जब भी कभी कोई एग्जाम देते हो उसमें एक साहित्य का क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। पता है क्यों पूछा जाता है? क्योंकि अगर साहित्य में आपकी रुचि होगी तो आप बड़े ही विद्वान माने जाओगे, और आप विद्वान हो अगर आपकी साहित्य के अंदर रुचि है, जैसे हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, संस्कृत साहित्य। तो अगर साहित्य में रुचि होगी तो विद्वान आदि तभी तो आपको एक ग्रंथ का नाम पूछ लेते, कभी पृथ्वीराज रासो, कभी बिसल देव रासो, कभी किसी और ग्रंथ का नाम पूछ लेते। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम लोग भी साहित्य के अंदर रुचि पैदा करो। उस समय के कुछ साहित्यकार है जैसे दांते, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, पेट्रोक, पेट्रोक, बेकोन, विद्वान लोग हैं, विद्वाना नाम याद रखना चाहिए। मार्टिन लूथर, इसका नाम तो कभी ना कभी आपने सुना ही होगा। मार्टिन लूथर का नाम नहीं सुना क्या? जर्मनी का था ये। सर्वेंट्स है, स्पेन का था सर्वेंट्स, वो नाम भी याद करो तो कर ले। इस युग में ये बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने, जिन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत तक कहा जाता है। इन लोगों ने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया और अनुवाद करके लोगों को जागृत किया। कैसे? जैसे मान लो कि संस्कृत पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का, मैंने वेद, अब कोई और सामने वाला तो वेद पढ़ा हुआ ही नहीं है और मैं उसे कुछ भी बताऊं उसे मानना पड़ेगा। जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करवाई जाती थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोले कि मूर्ति पूजा वेदों में कहाँ लिखी है ये बताइए, वेदों में कहीं मूर्ति पूजा लिखी नहीं है। लोगों की समझ में आई, बोले हाँ यार वेदों में तो नहीं लिखी है। फिर आप, तो वही चीज़ें हो गई। अगर अब मान लो कि आपने गीता पढ़ रखी है तब मैं कहूँ, कहते हो गीता मिटती केड़ी रहे, अगर गीता पढ़नी नहीं रखी तो मैं जचे वैसे कहूंगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। वही बात है, इन लोगों ने, ये इतने विद्वान थे कि प्राचीन ग्रंथों का इन लोगों ने अनुवाद किया। अनुवाद करके बताया, बोले रहे पादरी जगह धन भड़कान लाग रहे, ईशु कुछ ही को लिखेड़ो बाइबिल के अंदर, ए लोग आपका फायदा खातर कर रखे। ये जो नाम है, कौन कौन से नाम, एक तो ये दांते, ये नाम याद रखना, आगे हम इसका जिक्र करेंगे दांते का। एक ये बेकन नाम, इस नाम को भी आप याद रखना। एक किताब है, अगर कभी आपने पढ़ी हो, इन प्रेज ऑफ होली, इन प्रेज ऑफ होली, पढ़ोगा तो भूलियो ऑफ होली, थोड़ा सा याद रखो तो रख लेना, किताब का नाम है इन प्रेज ऑफ होली। इरेस्मस की है। इसमें इसने क्या किया, साधु संन्यासियों के अज्ञान, सहज विश्वास और इन चीज की इसने आलोचना की है। तो ये पुस्तक भी देखो, आलोचनात्मक किताबें लिखी जाने लगी है उस समय, तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। यानी ये जो विद्वान लोग हैं, विद्वान तो लाएंगे क्रांति, तभी तो दार्शनिक होने बहुत जरूरी है देश के अंदर। तभी तो दार्शनिकों का आदान प्रदान नहीं किया जाता था प्राचीन समय में, अगर आपको पता हो। हमारे बिंदुसार ने भी मांग की थी तीन चीजों की, उसमें दार्शनिक नहीं भेजे थे। प्रकाश तंत्र का विकास, प्रकाश तंत्र का विकास का मतलब सीधा समझो कि नई खोज, नई खोज भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण को बढ़ावा देती है। यह नाम जरूर याद रखना, जॉन गुटेनबर्ग ने टाइपिंग मशीन का विकास किया। गुरुजी के फायदों है टाइपिंग मशीनों, फायदा ये हुआ बच्चों टाइपिंग मशीन से, मान लो कि मैं इतिहास की किताब लिख रहा हूं, मैं अपने हाथ से नोट्स तैयार किए, कर दिए नोट्स तैयार, फिर दूसरा ऑर्डर आओगे मेरे को, ना कुछ छापड़ना है ना कुछ हो रहा है, मैं फिर दूसरी किताब लिखूंगा हाथ, तो कितना टाइम लगेगा भाई, मन कम से कम 2 महीना और लगेगा दूसरी किताब हाथों नोट्स लिखने। फिर तीसरा ऑर्डर आयो, किताब भी महंगी होगी क्योंकि मुझे वो किताब लिखने में 3 महीने लगे हैं, हैंड नोट्स। अब एक किताब लिखी, उसकी फोटोकॉपी निकाली, 10 मिनट में बन गई, किताब भी सस्ती हो गई, लोगों तक पहुंच भी हो गई। तो 1460 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने टाइपिंग मशीन का विकास किया। वाह गुटेनबर्ग, अगर तेरे टाइपिंग मशीन नहीं होती कई कामचोर मारा जाता आज, क्योंकि कामचोरों ने सिर्फ नोट्स दिए। इन बंदे को शुक्रिया अदा करो जॉन गुटेनबर्ग, जो टाइपिंग मशीन करी। अब इस बंदे ने विलियम केक्टस, 1477 में इसने प्रिंटिंग प्रेस और छापो खानो, फिर के चीज तो सुनने पर सुहागो अन इंग्लैंड में खोल दियो छापो खानो। अब बताओ जो धार्मिक ग्रंथ थे
उनका खटाई खट खटाई खट टाइपिर खटाई खट उनका अनुवाद होना शुरू हो गए, खटाई खट वो छपने शुरू हो गए दूसरी भाषाओं में, लोगों ने पढ़ लिया। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि आ ले इंग्लिश में गीता, या फिर मूल संस्कृत की गीता आपको दे दूँ, आप पढ़ ही नहीं पाओगे। और मैं हिंदी में उसको दे दूँ आपको, तो आप कहोगे चलो अब फुर्सत में है, कोरोना में लॉकडाउन है, 2 महीने गीता ही पढ़ लेता हूँ, तो पढ़ लोगे। तो जब इन चीज़ों का विकास हुआ, ये बड़ा ही फायदेमंद रहा। एक तो जॉन गुटेनबर्ग द्वारा टाइपिंग मशीन का विकास, अब पुराने टाइम की टाइपिंग इसी होती होगी टावरों, और फिर विलियम केक्टस द्वारा प्रिंटिंग मशीन, ये बड़ा ही विकास में बड़ा ही सहायक सिद्ध हुआ। अब देखिए और क्या क्या विकास हुआ। कागज का विकास भी, आपने प्राचीन समय में अगर रामायण महाभारत देखिए तो उस समय हमारे साधु महात्मा ऋषि मुनि जो है वो पेन रखते थे, ऐसे पेन भी किसका, मोर का, उर्स्याई के अंदर ऐसे डुबोते थे, फिर पत्तों के ऊपर लिखा करते थे। भाई यार तुम मान लो कि किसी पत्ते पर लिखे छोड़ दो आई लव यू या कुछ और लिख दो, उसको छोड़ दो, आप मान लो पत्ते के ऊपर कोई सिद्धांत लिखे छोड़ दो, कितने दिन पत्ता रहेगा? सिर्फ 1 महीने 2 महीने पत्ता ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अब आप किसी पेज के ऊपर लिखो और वो 10 साल बाद भी देख लेना वैसे ही मिलेगा। चीन का विकास कहाँ से, कागज का विकास कहाँ से हुआ? चीन से हुआ। चीन ने एक ऐसी विशिष्ट घास खोज ली जिसे कागज बनाया जा सके। ये क्या हुआ कि जो पहले खाल वगैरह पर लिखा करते थे उससे सस्ता, छाल की अपेक्षा ज्यादा टिकाऊ, तो कागज का हो गया विकास। और कागज को विकास हो गया, सुनने पर ही स्वागत हो गया। भाई भाई लोग आपको भरमा रहे थे धार्मिक ग्रंथ बाइबल के आधार पे, और बाइबल का पहले तो अनुवाद कर दिया, उसकी टाइपिंग होने लगी, सस्ती बाइबल बिकने लग गई, और अब और ही काम बढ़िया कागज पर और छपने लग गई। इस चीज से भी फायदा हुआ पुनर्जागरण के विकास के अंदर। बारूद, सर बारूद पुनर्जागरण में कहां सहायक होगा? यूरोप के लोग वैसे बारूद से पहले तक, बंदूक और तोप के विकास से वहां के राजा मजबूत हो गए और सामंतवाद को उन्होंने कुचला, क्योंकि सामंतवाद बहुत बड़ी समस्या थी। सामंतवाद पे आगे हम चर्चा करेंगे। अब उसी समय देखो क्या क्या विकास हुआ है। मशीन का विकास हो गया, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हो गया, पुनर्जागरण में सहायक करेंगे ये, क्योंकि साहित्य में रुचि पैदा कर रहे हैं ये। इसके अलावा बारूद का विकास, कागज का विकास, और मार्को पोलो ने कंपास का विकास और कर दिया। अब आप कहोगे सर कंपास, उस समय जो कंपास होता था वो उत्तरी दक्षिण ध्रुव को बताता था। कंपास से क्या हुआ कि उस समय की यात्राएं सुलभ हो गई। अब एक बात तो समुद्र के अंदर आदमी जहाज लेके बढ़ जाए, बिल्कुल किन्ने जाओ किन्ने जाओ, तो कंपास द्वारा उसे पता चलने लगा हम इधर चल रहे हैं, उत्तर में चल रहे हैं, दक्षिण में चल रहे हैं। तो ये भी व्यापार का बढ़ावा मिला है कंपास से, नए नए देशों की खोज में सहायक मिला है। तो ये चीजें भी पुनर्जागरण के विकास में बड़ी ही, मंगोल साम्राज्य का योगदान। सर पुनर्जागरण है, मंगोलिया एक देश है, अगर कभी आपने नाम सुना होगा, चीन के ऊपर पड़ता है मंगोल। मंगोल साम्राज्य का भी बड़ा योगदान है पुनर्जागरण। कैसे योगा? कोई ऐसा राजा जो साहित्य में बड़ी रुचि रखता हो, वैसे ही राजा का नाम है कुबलाई खान। साहब जी थारी फोटो बहुत मुश्किल होगी। कुबलाई खान ये मंगोल का राजा था, चंगेज खान का मसज में आता है ये। देश विदेश के बहुत दार्शनिक सारा बुला लिया आपके दरबार, बोले आजो आजो बेटी का बापू मेरे दरबार में आजो सारा सारा। और इसके दरबार में सभा लगती थी और स्वयं भी बैठा करता था सभा में, और सभा में विचारों का आदान प्रदान हुआ। जैसे अकबर ने और सबके लिए खोला था ना इबादत खाने की स्थापना, सभी धर्मों के लोग आए, अकबर ने सभी धर्मों को पढ़ा, नए धर्म का विकास किया, दीन ले लाई, वैसे ही आदमी है कुबलाई खान। इससे क्या हुआ कि जब बाहर के लोग दार्शनिक सब इसके दरबार में गए, तो लोगों का जो संकुचित दिमाग था, वो लोग जो एक दूसरे के संपर्क में आए, अन्य देशों के नई नई चीजें सीखी। अब इसी से एक बंदा निकल के आएगा बाहर, देखिए बंदे का नाम है मार्को पोलो। ये रहा जी मार्को पोलो, क्या मार्को पोलो, ठीक है नहीं, ओ है मार्को पोलो। ये एक वेनिस यात्री था मार्को पोलो। ये बंदा कुबलाई खां के दरबार में गए, कुबलाई खां के दरबार में रहकर वापस आया था, कहां, यूरोप के अंदर, और इसने पूर्वी देशों के बारे में लिखा, चीन का विशेष विवरण किया इसने, और लोगों ने इसके विवरण को पढ़ा। भाई साहब इसी मार्को पोलो की यात्रा का विवरण से भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, यूरोपवासी नए विचारों से अवगत हुए। अब जब नई नई चीजें सीखेंगे तो कुछ ना कुछ तो विकास होगा ही होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति का पुनर्जागरण तो आएगा। अरे वाह सर क्या बात है। सामंतवाद का पतन, देखिए
यहां सबसे ऊपर है राजा, ये कौन है, ये धर्मगुरु खड़े है, पोप, पो कहती पा कहती, ठीक है। ये कौन है, ये इनके सैनिक वगैरह होंगे भाई। ये कौन है, ये मजा ले रहे हैं सब। ये कौन है, ये जनता है। मुझे ये बताइए इन सब का भार किसके ऊपर आके पड़ा है, इन सब का भार जनता के ऊपर पड़ा है। तो फिर क्या राजतंत्र का पतन तो होगा। 15वीं शताब्दी में नई नई खोज हुई, भौगोलिक खोजें हुई, धार्मिक युद्ध हुए, वैज्ञानिक विचारधारा के कारण सामंती व्यवस्था पतन की ओर जाने लग गई थी। सामंती व्यवस्था का लोगों को सामंती व्यवस्था से अंधविश्वास हो गया, नई विचारधारा की ज्ञान का प्रसार हुआ, तो ये पतन भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण का कारण बनेगा। दोबारा देखिए, पुनर्जागरण के कारण बहुत इजी टॉपिक है, हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा। आई एम बता रहा हूं, आप सब आरएस लेवल के बच्चे हो तो उस हिसाब से आप देख लेना, मैंने फुल बताने की कोशिश की है। सबसे पहले पुनर्जागरण के कारणों में मैंने आपको क्या बताया, धार्मिक कारण बताए हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया है, व्यापार द्वारा ही पुनर्जागरण हुआ, क्योंकि व्यापारी एक नई सोच के व्यक्ति होता है, व्यापारी हमेशा क्रिएटिविटी दिमाग का होता है, ठीक है। उसके बाद कुस्तुम दुनिया का पतन जो मैं पहले बताया 1453 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद में साहित्य हर चीज के परिवर्तन में सहायक होता है, इस बात को छुपने की वाली बात है ही नहीं है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप भी साहित्य में नए नए विकास हुए, जिसमें से स्याही का विकास हुआ, टाइपिंग स्पीड विकास हुआ, कागज का विकास हुआ, कंपास का विकास हुआ, ये भी पुनर्जागरण में सहायक लेंगे। ये जो कुबलई खां था, मोटो आदमी है, लेकिन कुबलई खां भी बड़ो सहायक सिद्ध हुए इनके अंदर, क्यों, क्योंकि ये तो राजा ही ऐसा था कि सब लोगों को बुला लिया दरबार में, यहां से लोग गए नहीं। मार्को पोलो को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सामंतवाद का भी पतन हुआ है, जनता इससे भी त्रस्त थी। चलिए, पुनर्जागरण का आरंभ जो है वो इटली से ही क्यों हुआ, हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि इटली से क्यों। ये जो शहर है सामंती व्यवस्था से तो मुक्त था ही, धर्म निरपेक्ष विचारधारा की संभावना यहां ज्यादा थी। नए शासक जो है वो ज्ञान विज्ञान को महत्व देने लगे। कुस्तुंतुनिया से जितने भी लोग आए वो सारे लोग कहां आए, वो भागकर ज्यादा इटली में आए। तो बताओ भाई, सामंत पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से ही होगा, क्यों, इटली का संपर्क यूनान से ज्यादा था। अब देखो, ईसाई धर्म में वैसे तो पोप और राजा की भी दोनों ही मजा ले रहा, इन्हें तो पोप भी मजा ले रहे हो, क्यों लेगा, जाहिर सी बात है कि हम तो ईश्वर के दूत हैं। इधर राजा, दोनों की कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई आपस में, तो पोप भी वहां का विकास का प्रयास करने लग गया था। देखिए, अब कुछ महान विभूति जो है, एक तो लियोनार्डो दा विंची, हो सकता है आपने इतनों में से इसका नाम तो सुना ही सुना होगा, क्योंकि इसका तो सुना ही सुना होगा, क्यों, क्योंकि आपने मोनालिसा का नाम सुना होगा, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। मोनालिसा कौन है सर, मोनालिसा वही सामंत सिंह की प्रेमिका, नागरी दास, वही तो मोनालिसा, उसकी तुलना की जाती है। और उस मोनालिसा चित्र को इस बंदे ने बनाया था, लियोनार्डो दागासी, रफेल, कहाँ है रफेल, है क्या इसमें, ये ला रफेल, ए रफेल लुगाई एक आदमी, फिर भी कॉन्फिडेंस, चलो जो भी है रफेल है। उसके बाद में कवि दांते, ये भी नाम याद रखना है। एंजिलो, ये वैसे चित्रकार भी हैं एंजिलो, और वैसे क्या बनाते हैं, मूर्ति वगैरह भी इसने बनाई। ये सारी विभूतियां इटली में आई, तो तुम बताओ इटली का विकास होगा कि नहीं, पुनर्जागरण इटली से शुरू होगा कि नहीं, क्योंकि ये बंदा ही जब बाजगे इटली में चला गया है। शहरी सामंत नियंत्रण मुक्त है नहीं सर, अच्छा ये तो बता दिया मैं, तो ये सारा सर आया इन वजहों, विकास कहां हुआ फिर इटली का, तो पुनर्जागरण, और प्रश्न नहीं याद रहे तो ये याद रखना कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई, इटली से। अब देखते हैं कि पुनर्जागरण की उपलब्धि पे क्या प्रभाव पड़े। जीवन यापन में मेन चीज क्या हो गई, सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानवता, तो जाहिर सी बात है कि मानवतावाद का प्रतिपादन हो गया, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वही बात है कि यहां अब, क्योंकि लोग ये आगे का नाम कहते थे कि मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद तेरे को तेल में सिजाएंगे, ये सारे किसने देखा है मरने के बाद, अभी देखो ना वर्तमान में क्या है। तो यहां पर पुनर्जागरण से लोग वर्तमान में जीने लग गए, वो जो एक डर था कि मरने के बाद ये होगा, फिर पुनर्जागरण के कारण हुआ क्या, साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन, सब चीजों का विकास होने लग गया। तो अब साहित्य के अंदर देखिए, साहित्य के अंदर टाइपिंग मशीन का विकास हो गया, तो साहित्य का विकास हो रहा है। पेट्रोक, यहां है क्या पेट्रोक, अरे पेट्रोक तो अट्ठे गए, अब पेट्रोक आदमी है एक लुगाई, यार नामों कौन बेरोचाल है, देखो
लुगाई सिला गए सकल। चलो जो भी है, ये जो पेट्रोक है ये मानवतावाद का संस्थापक है। अरे वाह सर, मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है पेट्रोक। पेट्रोक, पेट्रोक मानवता कहां है? एस मसली जी, कुछ साहित्यकार वो कहां है? द प्रिंस। अरे वाह, हमारी चाणक्य की पुस्तक की तुलना की जाती है द प्रिंस से। चाणक्य की पुस्तक, राजनीति की पुस्तक, अर्थशास्त्र की तुलना द प्रिंस के मेकियावली की द प्रिंस से की जाती है। ये चीज आपने सुनी होगी, कोई बंदा राजनीति की पुस्तक लिख रहा है, इस बंदे ने कह दिया कि राजनीति में धर्म नहीं घुसना चाहिए, धर्म अलग होना चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए, पृथक पृथक की इस बंदे ने सलाह दी, तो ये आदमी भी उसी समय हुआ है। तो इसका भी नाम ध्यान रखना, द प्रिंस का लेखक मेकियावली। फिर ये भी बड़ी फेमस पुस्तक है, कौन सी? प्रेज ऑफ होली, प्रेज ऑफ होली। इसे, इसका हिंदी अर्थ है मूर्खता की प्रशंसा, इसको भी ध्यान में रखना। प्रेज ऑफ होली इसी समय लिखी गई है। ये किसने लिखी थी? एरास्मस ने लिखी थी। इसने चर्च की बुराइयों को खुलकर प्रशंसा की, बुराइयों को खुलकर प्रहार किया। ये बड़ी चर्चा में रही, प्रेज ऑफ होलो। इस नाम को बच्चों ध्यान रखना, किसने लिखी? एरास्मस। अब पुनर्जागरण से एक नई चीज आई है, धर्म के स्थान पर इसी लोक में जियो। धर्म आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, नहीं, मानवतावाद को बढ़ावा मिला है, मानव समाज को बढ़ावा मिला है इससे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पुनर्जागरण की उपलब्धियों में कला का बड़ा विकास हुआ। कला को नहीं, मतलब कला के अंदर वो चीजें, कला का उद्देश्य सुख प्राप्ति होना चाहिए। कैसे? जैसे आप, आपको जो गीत पसंद ही नहीं है वो गीत लगा दिया जाए, क्या आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। अगर आपको पसंद हो उड्डा उड्डा रे कबूतर बैठा, वो लगा दे, थारो ऑटोमेटिक पैर हलन लाए जाओ। तो कला के अंदर भाई साहब वो चीजें लाओ ना जो इंद्रियों को सुख दे। बस यही हुआ इस समय कि कला का मतलब वही है कि जो इंद्रियों, मध्यकाल की बर्बर समझ के उन चीजों की उपेक्षा होने लगी। गलत है ये कला, नई चीजें लेके आओ। चित्रकला का बड़ा विकास हुआ और इटली के 3 प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, इसका नाम याद रहे रखना ही पड़ेगा, लियोनार्डो दा विंची और रफेल, इसका नाम भी याद रखना, माइकल एंजेलो, ये मूर्तिकार है माइकल एंजेलो, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाई है इसने माइकल एंजेलो। ये चित्रकार है, चित्रकार के साथ ये बंदा मूर्तिकार भी है, मल्टी टैलेंटेड है ये। तो ये मोनालिसा है, मोनालिसा दर्शन कर दो। हाय मोनालिसा, बहुत सुनिए, तेरी बड़ी प्रशंसा सुनी है मैं किताबा में, तेरे बारे में प्रश्न भी है, महाराष्ट्र में भी मोनालिसा है। तो डाबरो, ए तीन नाम याद रखना पड़ेगा। इटली के 3 प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, एंजिल जलप्रपात, राफेल, ए तीन याद रखियो। याद रह जैसी के टाबरो। चलिए, विकास हुआ है पुनर्जागरण से, विज्ञान का बड़ा विकास हुआ है पुनर्जागरण से। ये देखो एक चीज, जिस जिसने सबसे पहले विरोध किया है, क्योंकि जैसे आज भी अपना पुराना बूढ़िया माना कि धरतीज की यानी भूकंप आवे नहीं, वो धरतीज की यानी बा बैल के सिंह पर टिकेड़ी, बैल सिंह बदला जब भूकंप आवे, धरतीज की घूम रही है नहीं बा बैल के सिंह पर घूम रही है। इस विचारधारा का जब पहली बार विरोध होता है तो गेड़िया ही खानी पड़ा दी। विज्ञान का जब जब विकास हुआ, कुछ लोगों को मृत्युदंड तक दे दिया गया, लेकिन विकास तो यूरोप से ही हुआ, इटली से ही हुआ। पुनर्जागरण के जितने भी अग्रदूत थे सबको पोप के को भाजन का बनना पड़ा। इनको ब्रह्मांड की नई संरचना दी है कोपरनिकस ने, बताया रहे पृथ्वी किसी थे कि बताने लाग रहे हो, सो गलत बताने लाग रहे हो, यो सही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। किसने कहा? कोपरनिकस ने ये बात बताई। अब देखिए ये जो है ना, ये रहा कौन है, ये रहा बेसेलियन। यार ये आदमी तो सच में महान रहा होगा जिसने शल्य चिकित्सा का आविष्कार कर दिया था। इसने शल्य चिकित्सा का सचित्र प्रकाशित किया, शल्य चिकित्सा समझे, चीरफाड़ ऑपरेशन, उस समय ऑपरेशन। अरे हमारे भारत में आज से 15 साल पहले कोई बच्चा, हम वो पीढ़ी है आखिरी जो बिना ऑपरेशन हुई है। अब सोचो आज भारत में भी, अब वो आए 15 साल पहले कोई ऑपरेशन, आजकल सब बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, उस समय ऑपरेशन का विकास हो गया, शल्य चिकित्सा की। यार बेसेलियन तू तो बड़ा महान आदमी है। और इधर गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर दिया, और जैसे ही गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जैसे ही खोज की, तो
तो चर्च ने गैलीलियो पर मुकदमा चला दिया, धर्म विरोधी करार दे दिया गया गैलीलियो को। देखो नया परिवर्तन जो समाज में लाएगा उसे को भाजन बनना ही बनना पड़ेगा किसी ना किसी व्यक्ति का। तो ये विज्ञान का विकास हुआ और विज्ञान के विकास के साथ देखिए और भी कोई है क्या, हाँ जियादार्दो बुर्नो आदि बड़ो भारतीय सो लागे। इस व्यक्ति ने कोपरनिक्स के सिद्धांतों का प्रचार किया और इस बंदे को चर्च में जिंदा जला दिया गया। बहुत कुछ खो के पुनर्जागरण हुआ है। केपलर कहां है ये रहा, केपलर ने ग्रहों का नियम दिया उसी समय, सर्वेतम जो था वो स्पेनिश का था, और इस बंदे ने रक्त परिसंचरण तंत्र खून कैसे बहता है, पता नहीं पहले तो क्या माना होगा लोगों ने, इस व्यक्ति को रक्त परिसंचरण की खोज में इस व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया। इसको सर्वेतम को पुनर्जागरण के जो जो लोग हैं जिन जिन ने विज्ञान का विकास किया उन्हें कहीं ना कहीं दुख का भागीदार तो बनना ही बनना पड़ा। तो पुनर्जागरण से क्या क्या हुए मैंने पुनर्जागरण पूरा समझा दिया है आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके विश्व इतिहास का लगता है हम वो भी पढ़ेंगे। मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने पूरा देखा कि नहीं देखा या सिर्फ टाइम पास किया है। अब भी मैं दो तीन चीजें जो बची है वो आपको बता देता हूं। देखिए जी एक दो चीज जो बची है आगे नेक्स्ट कुछ है, एक हो गया पूरा, चलो हो गया। देखिए अब जो मेन चीजें एक दो, सबसे पहले पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर को पुई लिखता हूं, पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है। तो अब जब मैंने इतने नाम ऐसे बता दिए तो कुछ ना कुछ तो दांते दांत अग्र है, पुनर्जागरण वो अग्रदूत ही है। इसकी पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, याद रह जाएगा। पुनर्जागरण का अग्रदूत है। इसका जन्म कहां हुआ था, इटली के फ्लोरेंस शहर से था। बताया पुनर्जागरण का मूल शहर फ्लोरेंस था, उसके बाद में दूसरा शहर बना था रोम। मानववाद का संस्थापक ये कौन, मानववाद का संस्थापक है पेट्रोक, याद रह जाएगा। ये भी इटली के फ्लोरेंस से था। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक ये था अपना मेकियावली, आधुनिक राजनीति का जनक मेकियावली, जिसकी पुस्तक कौन सी है द प्रिंस, ये भी फ्लोरोसी से। पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, दोबारा देखिए पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है, फ्रांसिस बेकन, याद रखो तो रख लेना वरना कोई बात नहीं है। इसने जीवन के प्रत्येक पहलू की, यानी पुनर्जागरण सीधे सीधे प्रश्न पूछे शुरुआत कहां से हुई तो आप आराम से बता दोगे सोरो इटनी हुई जठू अपना एक सोनिया गांधी जी है बठू। धर्म के स्थान पे मूल केंद्र बिंदु क्या हो गया, मानव हो गया। इतिहास का पुनर्जागरण बड़ा ही परिवर्तनकारी बिंदु है। फिर पुनर्जागरण के मैंने कारण बताए जिसमें सीधे सीधे रटने हैं, धार्मिक कारण है, उसके अलावा व्यापारिक कारण है, तीसरा कुस्तुंतुनिया का पतन है वो बताई दिया, फिर साहित्य में रुचि हुई लोगों की, नया नया साहित्य लिखा गया, दो तीन साहित्य की प्रिंस परेंस दांतेर पेट्रो के दो चार नाम याद रख लियो, फिर नई खोज हुई, नई खोज से भी पुनर्जागरण, नई खोज में क्या क्या खोज हुई, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने खोज कर दी टाइपिंग मशीन की, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की होगी, कागज की होगी, बारूद की होगी, कंपास को विकास हो गया, और मंगोल साम्राज्य का बड़ा योगदान है। मंगोल का कौन था, कुबलई खां, ठीक है। और इनके अलावा मार्को पोलो आयो, वो आगे बतायो भाई साहब क्या बात है, चाइना ये है वो है, मार्को पोलो की यात्रा भी, फिर सामंतवाद का पतन भी इस चीज को बढ़ावा देगा। और पुनर्जागरण इटली से क्यों हुआ तो आपको कारण बता दिया कि कुछ तुंतुनिया से भागे में सबसे ज्यादा इटली गई तो इटली का हुआ, और लगभग विद्वान जो है वो इटली रोम वगैरह फ्लोरेंस वहां मूल से फ्लोरेंस वो याद रखना, और इटली का संबंध ज्यादा था यूनान से। फिर इटली के महान आगमन लियोनार्डो है, एंजेलो है, रफेल है, ये दो तीन कवि दांते याद रखने। फिर पुनर्जागरण से क्या क्या फायदा मिला है तो बहुत साहित्य है, कला विज्ञान सब चीजों का विकास हुआ, साहित्य में किस किस चीज का विकास हुआ वो देख लेना, कला के अंदर जो है नए नए चित्रकार हुए, तीन चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और एक हो जाएगा पर रफेल, ठीक है। फिर विज्ञान का विकास हुआ, नई नई खोज हुई, कोपरनिक सिद्धांत लिए, परिसंचरण तंत्र गैलीलियो, और ये चीजें याद रख लियो बस। पूरा वीडियो देखा है क्या, कमेंट करके बताना, देखा है समझ में आएगी वर्ड हिस्ट्री, आई तो ठीक है आगे का टॉपिक डालूंगा, अगर नहीं आई तो फिर नहीं डालूंगा, आप बता देना आई के लिए। चलो ठीक है, भावी आरएस अधिकारियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके थैंक यू।